हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं रानी शर्मा लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। ये देखिए, आज सुबह का क्या कुछ भी नहीं हुआ है, सब चले गए हैं। परी भी चली गई है आज, उसका पेपर था, कल हो नहीं पाया था, परसों भी नहीं हो पाया था पेपर, इसलिए आज गई पेपर देने के लिए। और आज सब कुछ पढ़ाई बनाने के लिए आटा गूंदा रखा है। सोनी कुछ दो चार पराठे बना के चली गई है। हमारा जीरे का पानी भी रेडी है, ये रहा मेरा जीरे का पानी। थोड़ी देर में ब्रश करके पीती हूँ इसको, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ आज क्या बनने वाला है खाने में। अभी कुछ पता नहीं है क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे, कुछ सोचा नहीं है, देखते हैं। गोभी है, घिया है, शिमला मिर्च है, देखते हैं क्या बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं ब्रश करके फिर मिलती हूँ आपसे। फ्रेंड देखिए, आज बनाने जा रही हूँ मैं आलू और ये शिमला मिर्च की सब्जी। देखिए फ्रेंड्स, खट्टी सब्जी लाने पे कितना होता है नुकसान, मेरा बहुत नुकसान हो गया। ये देखिए, सारी शिमला मिर्च सड़ गई है। ये देखिए कैसी हो गई है, फ्रिज नहीं है जिस वजह से ये सारी सब्जियां खराब हो जाती है। ये तो छोड़िए, देखिए कितना, मेरी सारी मटर भी खराब हो गई है। 2 किलो मटर मेरी ऐसी खराब हो गई क्योंकि इसको छील करके पन्नी में बांध दिया था, तो इसकी वजह से इसमें लग गई फफूंदी और पूरी खराब हो गई है। अब मैं बना लेती हूँ सब्जी क्योंकि फिर लेट हो जाएंगे। लड़के की पैंट कर दी है मैंने प्रेस क्योंकि उसको जाना है, तो कह रहा मम्मी जल्दी से बना दो ताकि मैं कुछ लेके चला जाऊँ। मैं उसके लिए बना देती हूँ सब्जी। मैंने सब्जी काट ली है और यहाँ पर मैंने चढ़ा दिए कढ़ाई। देखो कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है। आलू में शिमला मिर्च की सब्जी और ये बन रहे हैं पराठे नाश्ते में। फ्रेंड्स देखिए, आज मैंने नाश्ता बना लिया है, सब्जी और रोटी बन चुकी है। रोटी तो नहीं, मैंने अभी पराठे बनाए और नाश्ता कर लिया है। ये आटा गूंदा रखा है और मैंने सब्जी भी बना ली है शिमला मिर्च की। लेकिन मेरे पैरों में पता नहीं क्यों बहुत दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से मेरी कुछ हिम्मत नहीं हो रही करने के लिए। मैं सोच रही हूँ थोड़ा देर रेस्ट कर लूँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, हिम्मत नहीं हो रही आज कुछ काम करने की। सारा घर का काम आज ऐसे ही फैला पड़ा है, कुछ भी काम नहीं हुआ आज, सब ऐसे ही है। परी बच्चे आज कोई भी नहीं है, सब स्कूल गए हुए हैं और मैं अकेली घर में हूँ आज। छोटा लड़का, उसकी तो छुट्टी है ही, वो तो जाता ही नहीं है। फ्रेंड्स आज घर का काम देखिए, आज घर की कोई सफाई वफाई कुछ भी नहीं हुई है, मेरा पूरा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। क्या करूँ फ्रेंड्स, देखते हैं थोड़ी देर में करती हूँ थोड़ा रेस्ट करने के बाद। फ्रेंड चलिए मैं कर लेती हूँ काम। देखिए सारा घर आज पहला पड़ा, मैंने कर लिया रेस्ट। अब थोड़ी देर में अपना काम निपटा लेती हूँ। मैं इसे कर लेती हूँ थोड़ी सी साफ सफाई, पूरा घर ऐसे ही फैला हुआ है। देखिए फ्रेंड, अमेजोन से खाया मैंने, कितना बड़ा धोखा। मैंने प्रेस मंगवाई थी और कितनी छोटी प्रेस आ गई है, और इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिला मुझे चेंज करने का, ना ही इतना टाइम दिया इन लोगों ने मुझे। ये मैंने और भी मंगाई है जो मुझे क्या कहते हैं लोकल क्वालिटी में है। मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ कि कितनी लोकल क्वालिटी में वो आई हुई है, जो मैं इसे रिटर्न करना चाहती हूँ और कोई ऑप्शन नहीं है उस पर रिटर्न करना। देखिए फ्रेंड्स, ये डिलीवरी हो चुकी है और अभी भी अमेजोन पे दिखा रहे हैं कि डिलीवरी नहीं हुई है, पर ये डिलीवरी हो चुकी है। और देखिए इसकी कितनी क्वालिटी ख़राब है, और ये मैं रिटर्न कर ही नहीं सकती क्योंकि उस पर ऑप्शन ही नहीं आ रहा है रिटर्न का। उस पर यही ऑप्शन आ रहा है कि ये अभी आपके पास डिलीवर नहीं हुआ है, और कोई कॉल नहीं हो रही है। मैं कितनी बार इसको कॉल के लिए कर चुकी हूँ, पर ये एक तो ये काम नहीं कर रहा है और ये इतनी बेकार क्वालिटी है, इतना बेकार चीज़ उन्होंने मुझे भेजी है, बिल्कुल बकवास। जब उन्होंने इस पर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मैंने मंगवाया है दूसरा, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। उसको मैं यूज़ भी कर रही हूँ, आपने मेरी वीडियो में देखा भी होगा, मैं उसको यूज़ भी कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये लग भी नहीं रहा है,
देखिए कितना बेकार है ये, कि इसका लग भी नहीं रहा तो उसको कोई यूज कैसे करेगा, आप ही बताइए। इसलिए मैं इसे रिटर्न करना चाहती हूँ, पर अभी तक वो उस पर दिखाई नहीं रहा है कि ये प्रोडक्ट मुझे मिल चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा वाला जो मैं अभी यूज कर रही हूँ, जो बहुत अच्छी क्वालिटी में आया है। ये मंगाया है, इसकी क्वालिटी बेस्ट है, एकदम बहुत बढ़िया है, इसकी क्वालिटी एकदम अच्छी है। और ये मैं इसको यूज कर रही हूँ काफी टाइम से, देखो कितने अच्छे से लग भी गया है और ये चल भी रहा है। इसके अंदर पुश करो, आ गया, पुश करते ही आ गया इसमें। और ये एकदम बेकार है, मैं इसको यूज नहीं कर पा रही हूँ, इसको मैं रिटर्न करना चाहती हूँ, पर रिटर्न का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, तो ये मेरे लिए एकदम बेकार समझ लिए, मेरी वेस्ट मनी हो चुकी है ये मेरे लिए। अमेजोन से अगर कुछ मंगाएं तो आप एक अच्छी क्वालिटी से चीज मंगाएं करें, देख करके मंगाएं करें कि आपकी क्वालिटी कैसी दे रहे हैं वो लोग, क्वालिटी अच्छी देख करके मंगाएं करें, वेस्ट वरना वेस्ट है, आपका पैसा भी वेस्ट है और चीजें भी वेस्ट है, तो क्या फायदा ऐसी चीजें मंगाने में। ये मेरे पास एक जैसी दो चादरें हैं, जो आप समझ लीजिएगा, इसलिए मैं इसी चादरों को बिछा देती हूँ ताकि कंफ्यूज हो जाते होंगे। गुजिया बनाई थी, देखिए फ्रेंड्स सब खत्म हो गई है, इसको साफ करके रख दिया है ताकि इसमें कुछ और चीजें रख सके। फ्रेंड्स ये कुछ आटा बचा हुआ है, मैं पहले बना लेती हूँ रोटियां, फिर उसके बाद बाकी बचा हुआ काम कर लूंगी मैं। फ्रेंड्स रख के रखे, आटा भी सूख चुका है, सुबह से रोटियां नहीं बनाई थी मैंने, अब बच चुके हैं 12, सब्जी बनी रखी हुई है, सोच रही हूँ ये रोटियाँ बना के रख दूँ ताकि अभी परी आएगी तो आते कहेगी मम्मी मुझे भूख लग रही है, तो मैं इसके लिए रोटी बना के रखूँगी तो वो खा तो लेगी, क्योंकि इसके पास इतना टाइम नहीं होता। 12 बजे आएगी, ड्रेस चेंज करेगी, रोटी खाएगी, फिर वो ट्यूशन चली जाएगी, 1 बजे का उसका ट्यूशन है। ये मेरे प्यारे प्यारे फुलके, चलिए मैं रोटी बना लेती हूँ। फ्रेंड्स देखो बना ली मैंने रोटी और सब्जी भी खाली कर दी है, बर्तन खाली हुए, परी भी आ गई है ट्यूशन स्कूल से, पता नहीं फ्रेंड्स क्या हो गया है आजकल, मुझे कुछ बोलना होता है और मैं कुछ बोल जाती हूँ, कुछ टाइम से मेरे साथ ये दिक्कत शुरू हो चुकी है, मैं बोलते बोलते कुछ और ही बोल जाती हूँ। क्या बोली, ये देखो हमारी पड़ोसन वाली भाभी इतनी अच्छी हैं कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा था तो उन्होंने ये दवाई दी है, कह रही है ये दवाई खा ले पहले मुझे तो तेरे को आराम मिल जाएगा। बर्तन भी मेरे यहाँ सारे पड़े हुए हैं, 12:30 बज चुके हैं और अभी तक मैंने कुछ भी काम नहीं किया है, सारा ऐसे ही फैला पड़ा है। इस सुबह नाश्ता बनाया था, इसके पराठे बच गए हैं, खा लेती हूँ। बोली परी आ गई, मेरी बहुत हिम्मत आ गई है कि परी मेरा सारा काम करवा देगी, अब मेरी बहुत हिम्मत बढ़ गई है। परी से बोली थोड़े से बर्तन मान दे ताकि तेरा ट्यूशन जाने से पहले बर्तन हो जाए, मैं तो गोली ले लेती हूँ। परी बेटा बर्तन धो लो, सुबह से इतना पैरों में दर्द हो रहा था, मैंने अभी सब्जी रोटी बना करके निपटाई है। दर्द आज इतनी तेज हो रहा था कि मैंने आज कोई भी एक्सरसाइज नहीं करी है, और सुबह ग्रीन टी लेने के बाद मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेती थी घर खाली हो जाने के बाद, आज मैंने कोई भी एक्सरसाइज नहीं करी और आज मैंने पराठे भी खा लिए, जो मैं पराठे नहीं खाती हूँ।
इग्नोर कर रही थी पराठे खाने से, आज मैंने पराठे भी खा लिए और एक्सरसाइज भी नहीं करी। फ्रेंड्स देखो, परी ने मुझे आज बोला कि अब से जाओ रोज जाना है स्कूल। मुझे उम्मीद होती थी ये परी घर में रहती है तो मेरे साथ काम में हेल्प करा देती है, पर अब समझ लीजिए कि इसलिए 12:30 बजे तक छुट्टी, हमें 12:30 बजे तक मुझे खुद ही काम करना पड़ेगा क्योंकि परी अब से काम नहीं करवाएगी मेरे साथ कुछ भी। आधे कपड़े चेंज करेगी, रोटी खाएगी और भग जाएगी ट्यूशन के लिए, क्योंकि वो ट्यूशन के लिए हो जाएगी लेट, इसलिए सारे काम अब मुझे ही करने पड़ेंगे। अब वो क्या है कर सकती हूँ, लेकिन ये है कि पहले से थोड़ी ज्यादा मोटी हो गई। पहले तो मैं कर लेती थी, पतली दुबली सी थी तो मैं कर लेती थी, अब मैं ज्यादा मोटी हो गई हूँ तो मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं काफी हेल्प करवा जाती थी मेरी, और अब इसका टाइम चेंज हो गया है तो नहीं करवा पाती है। देखो फ्रेंड्स, कितने सारे बर्तन पड़े हैं मांजने के लिए, आज तो थोड़े हैं, ज्यादा नहीं है। मैं चल के बर्तन मांज लेती हूँ फ्रेंड्स। पर कह रही मम्मी मैं नहीं मांजूंगी, मैं हो रही हूँ लेट। मैं चलो ठीक है, तू मत मांज, मुझे तो मांजना ही है। नहा चुकी हूँ फ्रेंड्स और मैं हो रही हूँ तैयार, कहीं जाना तो नहीं है, पर दोपहर का रूटीन मेरा यही है, सुबह सारा काम वाम कर करके मैं इतना टाइम ही नहा धो लेती हूँ, सारा काम भी निमट जाता है। फ्रेंड्स नहा धो करके मैं हो चुकी हूँ रेडी, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, जल्दी कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ नहा धो करके। मुझे भूख लग रही है और मैं जा रही हूँ खाने के लिए, और मैं प्लेट लगाती हूँ, भाभी की फ्रिज से लेकर के आती हूँ खाने के लिए कुछ। फ्रेंड्स मैं लेकर के आ गई हूँ दही, उसमें तो ऑलरेडी चम्मच पड़ी हुई है। इसको बाद में रख दूंगी फ्रिज में। ये बनाई आलू शिमला मिर्च की सब्जी जो सुबह बनाई थी मैंने, और ये ले ली मैंने तो रोटी, एक और ले लेती हूँ पराठे ले लेती हूँ मैं। बच्चे आएंगे ट्यूशन से फिर उसके बाद इसको खा लेंगे। आ जाइए फ्रेंड्स, लग चुकी है थाली, आप भी खा लीजिए, मैं तो खाने जा रही हूँ, आप भी खा लीजिए मेरे साथ, आ जाइए फ्रेंड्स, आप भी खा लीजिए। मैं देख लेती हूँ टीवी, उसके बाद फिर आपसे बात करती हूँ। फ्रेंड्स शाम हो चुकी है और शाम को मैं बनाने जा रही हूँ घिया चने की दाल, और मैंने प्याज काट लिए हैं, हरी मिर्च टमाटर काट लिए और हरी मिर्च भी काट लिए, दूध भी उबालने के लिए कर दिया रेडी, आटा भी मैंने गूंध लिया है और चावल भी बन चुके हैं। और आ गई है सोनी ऑफिस से, ये झुकी हुई है देखो, कुकर निकाल रही है नीचे से, नीचे बर्तन का टोकरा रखा है तो उसमें रखे मेरे कुकर, तो एक कुकर निकाल के दे रही है, और ये मैं बना रही हूँ सोनी के लिए चाय। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं करती हूँ वीडियो एंड, ओके बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।